दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा गाय कौन है और वो कैसा दिखता है? और साथ ही एक ऐसा पक्षी जो उल्टा उड़ता है बल्कि सीधा नहीं, और कई ऐसे पेट जो क्या पहले से नहीं जानते थे। लेकिन उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए इस मजेदार सफर में। फैक्ट नंबर वन, आप लोग डोमिनोज का पिज्जा या फिर टीवीआर्स में दिखाए जाने वाले पिज्जा देखा होगा, जो की 150 रुपए से शुरू होकर 1000-2000 तक की आराम से आ जाती है। इसमें चिकन पिज्जा, पनीर पिज्जा, बहुत सारे पिज्जे का वेराइटी अवेलेबल होता है। लेकिन सबसे चौकिंग करने वाली बात तो यह है कि आज तक की सबसे महंगी पिज्जा जो कि 12,000 US डॉलर में बिका गया है, जिसे दुनिया का सबसे महंगी पिज्जा का खिताब भी मिला है। वैसे आप कितने रुपए का पिज्जा खाए हो कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर टू, देखिए इस धरती में एक चीज दूसरी चीज से बहुत अलग होती है। अगर हम इंसानों की तुलना करें तो एक इंसान दूसरे इंसान से स्किन कलर, हाइट, वेट में काफी अलग होता है। इसके अलावा अगर ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी की बात करें तो सभी चीज जैसे कि हार्ट हो या किडनी, ये सब सेम रहता है, सिवाय ब्लड ग्रुप को छोड़कर। ह्यूमन बॉडी में ज्यादातर 4 ब्लड ग्रुप दिखाई देती है, जो कि हर एक इंसान के पास अलग होता है। भाई अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ता इकलौता का जानवर है जिसके पास 4 या 5 नहीं बल्कि 13 ब्लड ग्रुप दिखाई देती है, जो कि सच में गजब है। फैक्ट नंबर थ्री, मार्केट में अक्सर हम जो मिल्क लाते हैं वो ज्यादातर गाय के दूध से होती है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन गाय से जब दूध निकाला जाता है वो प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हालांकि आज मशीन के सहायता से कार्य मिनटों में हो जाती है, लेकिन गांव में जो गाय होती है उनको आज भी ट्रेडिशनल तरीके से, यानी कि गाय की 2 पैर को रस्सी से बांध कर दूध निकाला जाता है, जिसकी वजह से गाय जितना दूध देना होता है उतना कभी भी नहीं देता। इसलिए रिपोर्ट के मुताबिक जब भी हम गाय दूने के लिए जाए तब गाय के पास अगर कोई अच्छा म्यूजिक प्ले कर दे तो गाय की ब्रेन रिलैक्सिंग कंडीशन में चला जाता है, जिससे वो ज्यादा खीर देता है। फैक्ट नंबर फोर, अमेजन फॉरेस्ट जो कि बहुत सारे मिस्ट्रियस घटनाएं के लिए जाना जाता है, जहाँ की मिट्टी तक सूरज की किरण भी नहीं पहुंच पाती, और जानलेवा मच्छर से लेकर बड़े बड़े सांप जैसे कि एनाकोंडा भी पाया जाता है, जहाँ पर कि कदम कदम पर खतरा मंडरा होता है, जहाँ कभी किसी इंसानों की रहने की सोचा जा भी नहीं सकता। वहाँ पर आज भी 5 से अधिक जनजातियाँ बास करती है, जिनमें से कुछ ऐसे जिन्होंने आज तक बाहर दुनिया से रूबरू नहीं है। सच में बहुत ही डरावना के साथ साथ मिस्ट्रियस है। फैक्ट नंबर फाइव, देखिए आज तक हम जितने भी पक्षी देखे हैं, चाहे वो कौवा हो या मोर, वो हमेशा आगे की ओर उड़ते हैं। लेकिन पक्षी की एक ऐसी प्रजाति है जो रियलिटी में आगे की ओर नहीं बल्कि अपने पीछे की ओर उड़ती है, और वो पक्षी का नाम है हमिंगबर्ड। सच में जब हम पीछे होते हुए 100 मीटर चलते हो तो हमें चक्कर आ जाता है। वही ये पक्षी अपने सारा जीवन उल्टा ही उड़ता है, सच में गजब है। फैक्ट नंबर सिक्स, देखिए इस धरती में हर जानवर के पास कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी से होती है, जैसे कि चील को दूर से अपने शिकार दिख जाना और सांप को खतरा आने से पहले पता लग जाना। उसी तरह हाथी भी 3 मील के दूर से पानी का होने का पता लगा सकती है। सोचिए हाथी का दिमाग कितना शार्प होगा। फैक्ट नंबर सेवन, देखिए जब भी हम किसी वर्कआउट करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जिसको हम कपड़े या फिर हाथों से पोंछ लेते हैं। उसी तरह जब भी कुत्ता हो या बिल्ली ज्यादा तेजी से भाग लेता है तो उनको भी पसीना आ जाता है, जिसके लिए अपने वो पंजे का रुमाल की तरह यूज करते हैं। फैक्ट नंबर एट, कोविड के चलते जब दुबई में 2020 की आईपीएल को ऑर्गेनाइज किया गया था तब शारजा के स्टेडियम में एमएस धोनी के द्वारा स्टेडियम के बाहर एक सिक्स मारा गया था, और वो जो बॉल जहां पर गिरा था उस जगह आज गूगल मैप में धोनी सिक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही गजब है। फैक्ट नंबर नाइन, देखिए इंडिया में या फिर दूसरे किसी कंट्री में कहां पर एक्सीडेंट होने पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है। भाई अगर रोड एक्सीडेंट ना हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पर एम्बुलेंस का पहुंचना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इंडिया में इकलौता एक ट्रेन ने जो इस तरह की ट्रेन इमरजेंसी पर लोगों को हेल्थ ट्रीटमेंट पहुंचाती है, और जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने अक्सर जिन भी गाय को देखा होगा वो ज्यादातर 4 या 5 फीट का होगा, लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसा गाय है जिसका हाइट सिर्फ 51 सेंटीमीटर है। सोचो वो साइज में कितनी छोटी होगी, जिसे दुनिया का सबसे छोटी गाय होने का खिताब भी मिला है, और जिसका नाम है रानी। उम्मीद करते हैं कि आपको फैक्ट पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको इस तरीके का फैक्ट अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए। तब तक आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।